गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने अपना बाइनरी नंबर सिस्टम किया था और मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया था कि कैसे आप बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। सिर्फ दो ही बच्चों का है, दो ही तीन बच्चों का वो होमवर्क आया है। तो बेटा आप इस वीडियोज को जो देखते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उस होमवर्क को पक्का करके भेजिए, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेरी पुट कर सकते हैं, आप कॉल कीजिए, आप मैसेज कीजिए और आप वो अपनी क्वेरीज को ले सकते हैं। तभी तो हम आगे देखेंगे ना कि आपको अगर नहीं समझ में आया तो हम दोबारा आपको उस चीज को समझाएंगे, ठीक है। तो कल हमने बाइनरी नंबर सिस्टम कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि इस तरह से आपको अलग अलग डिजिट को करके लिखना है। उनके नीचे आपको क्या लिखना है, टू टू लिखना है, क्योंकि इसका बाइनरी का बेस कितना होता है, टू। उसके ऊपर उसके बाद उसको आपको पावर साइन करनी है, जीरो से स्टार्ट करके, 0 1 2 3 इस तरह से। फिर उनके बीच में आपको मल्टीप्लाई और फिर उनके आपस में आपको एडिशन का साइन लगाना है, फिर आपको मल्टीप्लाई परफॉर्म करनी है और फिर एड परफॉर्म करना है। इसी तरह नेक्स्ट हम आगे चलते हैं बेटा। ये देखिए जो आपको ये टेबल दी हुई है बेटा, ये टेबल गलत है, आप इस टेबल को रेफर ना करें, ठीक है। ये टेबल आपको गलत दी हुई है, इसको आप क्रॉस कर दीजिए चाहे तो। ये टेबल गलत है, हम इस टेबल को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, इसमें आपको डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी कन्वर्ट करके बता रखा। तो ये जो बाइनरी कन्वर्जन है बेटा, ये गलत है। हम आपको बाइनरी कन्वर्जन हम सीखेंगे नेक्स्ट, जब अब हमारा टॉपिक आएगा डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन का, तब हम उसको सीखेंगे, ठीक है। तो आप इस टेबल को रेफर मत करें, ये टेबल गलत दे रखी है, कहता नहीं कैसे बाय मिसप्रिंट से गलत हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या है बेटा, इन ऑक्टल नंबर सिस्टम द बेस इज 8। देखो अब हमने तीसरा नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं बेटा। पहला हमने पढ़ा था डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा हमने पढ़ा था बाइनरी नंबर सिस्टम, ये तीसरा है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल का मीनिंग क्या होता है, 8। ऑक्टल का मीनिंग क्या होता है, 8। इन ऑक्टल नंबर सिस्टम द बेस इज 8। बेस पता है आपको क्या होता है, हमने बताया था कि जो हम नीचे लिखते हैं इस तरह से, वो हमारा क्या होता है, 8 होता है, वो हमारा बेस होता है। तो इसका बेस हम क्या लिखेंगे, 8। इसके अंदर इसका बेस 8 है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो हम नंबर यूज करते हैं, वो हम नंबर यूज करते हैं 0 से लेके 7 तक, यानी कि 8 नंबर यूज करते हैं। 0 से लेके 7 तक आपके 8 नंबर हो जाते हैं, वही नंबर हम इसके अंदर यूज करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 तक ही हम इसके अंदर नंबर यूज करते हैं इस नंबर सिस्टम के अंदर। 8 और 9 नंबर इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हम सिर्फ 7 तक नंबर यूज करते हैं। जो सबसे बड़ी सिंगल डिजिट है इसके अंदर वो 7 होती है। द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट इज 7, 1 लेस देन 8, 8 से एक कम। ईच पोजिशन इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट ए पावर ऑफ द बेस 8। हर एक जो नंबर सिस्टम हम इसके अंदर यूज करेंगे, वो बेस 8 की पावर को ही यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 74 को अगर हम, ये जो डेसिमल नंबर है 74 जिसका बेस 10 है, अगर इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आता है इसका, जिसमें हमने बेस 2 लिखा है। लेकिन अगर हम ये ऑक्टल में रिप्रेजेंट करेंगे, ये कोई नंबर है जैसे इसका 8 है, ये इसमें बेस लिखा हुआ एक, तो ये नंबर ये है, तो इसको अगर हम किस में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो सेम वही तरीका है डेसिमल में कन्वर्ट करने का जैसे हमने बाइनरी में लिखा था। अभी देखिए 112 को हम क्या करते हैं, मैं आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाती हूँ कैसे हमें इसको करना है। सेम वही तरीका है हमारा जैसे हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था। मैं यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको करके दिखाती हूँ। जैसे हमने क्या लिया था, हमारा नंबर था 1 1 2, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। ये हमने क्या लिया था, 1 1 2, ये हमारा क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है। अब इस ऑक्टल नंबर सिस्टम के नीचे हम क्या लिखेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने क्या लिखा था, सबके नीचे 2 2 लिखा था। जब हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे, तो हमने सबके नीचे क्या लिखा था, 2 2 लिखा था। अब ये कौन सा नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सबके नीचे क्या लिखेंगे, 8 8 लिखेंगे, क्योंकि कितना बेस होता है ऑक्टल नंबर का, 8 बेस होता है। तो हम इसके नीचे सबके नीचे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। बिल्कुल सेम वही तरीका है, सबके नीचे 8 8 लिख दिया। अब इनको क्या साइन करेंगे, हम पावर साइन करेंगे। इसकी पावर साइन कर दी हमने 0, इसको हम 0 पावर दे देंगे। नेक्स्ट की पावर क्या आएगी हमारे पास, 1, तो हम इसको क्या दे देंगे, 1 पावर दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट की पावर क्या आ जाएगी हमारी, 2, तो हम इसको क्या दे देंगे, 2 पावर दे देंगे।
ठीक है, ये हमने इसको टू पावर दे दिया। अब वही सेम तरीका, इन से दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ये हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, और यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। इनके बीच में कौन सा साइन लगेगा, हमारा एडिशन का साइन लगेगा। यहाँ पे इनके बीच में हमने एडिशन का साइन दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनको फिर से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनको एडिशन का साइन दे देते। अब इसके बाद इक्वल टू में क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 8 की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या होता है, 1। क्या होता है, 2 की पावर 0 1। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर भी कि किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो क्या लिखेंगे हम, 1 1, पहले बोर्ड मास का रूल लगेगा, तो पहले क्या होगी मल्टीप्लाई, फिर क्या होगा एड, तो 1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपके पास 2, क्योंकि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 1 मल्टीप्लाई 2। फिर यहाँ पर हम ये एडिशन का साइन लगा देंगे, ठीक है, इसको यूं का यूं लिख देंगे 8 की पावर 1, यानी कि 8 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 टाइम ही मल्टीप्लाई करना है, तो 8 को एक टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। तो 8 लिखेंगे मल्टीप्लाई में, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1। दोबारा से फिर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडिशन का साइन आ जाएगा। अब 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 8 की पावर 2 है, 8 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाता है आपका 8 मल्टीप्लाई 8, 8 की पावर 2 का मतलब क्या है 8 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, तभी इसकी पावर 2 बनी ना, तो इसके ऊपर क्या आप मल्टीप्लाई में लिखना है 1, 1 इसके पास यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाई। समझ में आया, हम दोबारा कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि इसके ऊपर आ जाए। देखिए हमने इसको यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे दिया है। अब ये देखिए क्या किया है हमने, 8 की पावर 0, हमने ये नंबर लिखा 112, जिसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये हमें ऑक्टल का नंबर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाकर, यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं और इसके नीचे क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम बेस लिखेंगे 8, यहाँ पर हम बेस लिखेंगे 8, क्योंकि ऑक्टल का बेस क्या होता है 8 होता है। ठीक है, यहाँ पर ये यह हम इस तरह से बेस लिखेंगे। आगे बात समझ में, बेस हमेशा नीचे छोटा लिखा जाता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारा ऑक्टल नंबर दे रखा था 112, इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसके नीचे जैसे हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था, सेम वही तरीका है ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का। क्या है, हर एक के नीचे हम क्या लिखेंगे 8 8 लिखेंगे, उसको खुला खुला लिख के हर एक की पावर साइन कर देंगे 0 1 और 2। फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा, इनके बीच में एडिशन का साइन आएगा। ठीक है, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, बीच में प्लस का साइन एज इट इज, 8 की पावर 1 यानी कि 8 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 8 लिख दिया। ठीक है, 8 को किससे मल्टीप्लाई किया, इसके ऊपर जो लिखा है 1। ठीक है, 8 की पावर 2 का मतलब क्या होता है कि 8 को कितनी बार मल्टीप्लाई करके लिखना है, 2 टाइम्स 8 मल्टीप्लाई 8, उसके ऊपर क्या है 1, उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, आगे समझ, अब हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए भी आ जाते हैं इसके नीचे, 8 8 जा कितना होता है 64, 8 8 जा 64, 64 मल्टीप्लाई 1 64, तो 64 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। ठीक है, अब इसके बाद 8 मल्टीप्लाई 1 8 ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, प्लस का साइन। इसके बाद क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, एड करना है। एड करके जब हम इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, कैलकुलेट करो फटाफट, कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू में 72, 72 आ गया, 8 और 2 10 10 एंड सॉरी 74, यह आ जाएगा हमारा 74। अब ये देखिए क्या हमारा 74 इसमें भी आंसर आ रहा है, यस, हाँ जी 74 हमारा इसमें भी आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया आपको समझ में, इस तरह से हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। सेम वैसे ही है जैसे हमने बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया था, इसी तरह आपका जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका था ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसमें आपने उसको बाइनरी में
कन्वर्जन सीखा। तो ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये सारे नंबर सिस्टम है जो कि हम और कंप्यूटर यूज करते हैं, कि हम उसको ऑक्टल में डाटा देते हैं तो वो कैसे कन्वर्ट करता है, डेसिमल में देते हैं तो कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये टेबल को ध्यान नहीं दीजिएगा बेटा, ये टेबल गलत है। So, आपका जो डेसिमल नंबर सिस्टम है ये इक्विवेलेंट है इसके। सो नाउ सिंस देयर आर ओनली 8 डिजिट 0 to 7, हमें पता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में सिर्फ 0 से लेके 7 तक के डिजिट होते हैं। द ऑक्टल नंबर सिस्टम है 3 बिट आर सफिशियंट टू रिप्रेजेंट द ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो जब भी ऑक्टल नंबर सिस्टम हम करेंगे तो उसमें आपके सिर्फ 3 ही डिजिट आएंगी जब हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या दे रखा है, आप ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करने का इसमें तरीका दे रखा है। ये भी हम सीखेंगे, इसका भी मैं आपको तरीका सिखाऊंगी, बट हम इसको हम कन्वर्जन आपके ये देखो आगे आएंगे तो उसमें हम कन्वर्जन में सीखेंगे। अभी आप इस टेबल को ना यूज करें, ये टेबल आपकी गलत है। ठीक है, अब ये देखिए, अब आपको मैं कुछ होमवर्क दे देती हूँ कि आपको जो ऑक्टल नंबर सिस्टम से उसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर मैं आपको दे देती हूँ, मैं आपको दे देती हूँ 212। इसको आपको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसका ये बेस 8 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये आज आपका होमवर्क है जिसको आपको सॉरी जिसको आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, आप जो यूज कर नेक्स्ट जो करेंगे आप 541, ये आप यूज करेंगे, इसको आप एक्ट को भी आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये दो ही हैं, आप इनको इन दोनों को ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। कल की क्लास में हम फिर नेक्स्ट क्लास में हम इनका आंसर देखेंगे। आप मुझे ये करके फिर सबमिट कराइएगा, जैसे आपने कल पिक भेजी थी वैसे ही पिक भेजिएगा। और जिन बच्चों ने बाइनरी कन्वर्जन नहीं भेजा है वो भी बाइनरी कन्वर्जन भी भेजेंगे, मतलब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके भेजेंगे, और ये जो आपका ऑक्टल है इसको भी आप डेसिमल में कन्वर्ट करके भेजेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये टेबल को मैं बार बार बोल रही हूँ मत कंसिडर कीजिएगा, ये गलत टेबल है। नेक्स्ट है बेटा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है आपका, हेक्साडेसिमल, हेक्सा का मीनिंग क्या होता है, 16। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या करता है, वो 16 डिजिट को यूज करता है, 16 डिजिट, जिसके अंदर आपके 0 to 9 आपके क्या होते हैं, 0 से लेके 9 तक जो 10 है वो आपके नंबर्स होते हैं, और जो आपके 10 से लेके 15 तक के नंबर होते हैं वो 6 अल्फाबेट होते हैं। हेक्स मिक्स 6, यानी के 6 जो आपके क्या होते हैं, इसके अंदर आपके ए से लेके एफ तक आपके अल्फाबेट यूज होते हैं। प्राइमरी रीजन व्हाई द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज यूज्ड विद द कंप्यूटर आर द गिवन बिलो। क्यों कंप्यूटर्स के अंदर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज किया जाता है, बिकॉज इट कैन रिप्रेजेंट बाइनरी वैल्यू इन अ मोर कॉम्पैक्ट एंड रीडेबल फॉर्म। ये बाइनरी वैल्यू को, बाइनरी नंबर्स को और ज्यादा अच्छे तरीके से और आसानी से रिप्रेजेंट करता है ताकि हम उनको आसानी से रीड कर सकें। द कन्वर्जन बिटवीन द बाइनरी एंड द हेक्साडेसिमल इज वेरी एफिशियंट। जो कन्वर्जन होता है बाइनरी का हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल का बाइनरी में, वो बहुत एफिशियंट है, बहुत अच्छा है। तो अब ये देखिए, एन 8 डिजिट बाइनरी नंबर अ बाइट। एक बाइनरी नंबर कितने डिजिट का होता है, सॉरी जो 8 डिजिट बाइनरी नंबर है आपका, कि उसको हम क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। आपको हमने बताया था जब हमने मेमोरी चार्ट पढ़ा था कि जो 1 बिट है, इस तरह की आपकी 8 बिट मिल जाती हैं तो वो आपको क्या बना लेती है, 1 बाइट बना लेती है। कैन रिप्रेजेंटेड बाय 2 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर। तो हेक्साडेसिमल 8 और 8 कितने हो जाएंगे, 16। तो आपका एक हेक्साडेसिमल नंबर 2 डिजिट को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हम एफिशिएंटली यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल द डेसिमल नंबर 79 हुज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज दिस। ये देखिए, ये आपका 79 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके ये नंबर लिखा है, कैन बी रिटन इन 4f। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4f लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 का जो बाइनरी कन्वर्जन है ये होता है और 5 का बाइनरी कन्वर्जन ये होता है। तो आप इस चीज को बिल्कुल भी टेंशन ना ले बेटा, हम कन्वर्जन आगे सीखेंगे कि कैसे हम इनको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी के अंदर। अभी हम हेक्साडेसिमल पढ़ते हैं। देखो, हेक्साडेसिमल में आपके 0 to 9 नंबर होते हैं और ए से लेके एफ तक आपके अल्फाबेट यूज किए जाते हैं। ठीक है, वो कैसे यूज किए जाते हैं ये देखो मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे हमने क्या किया, 0 से लेकर 9 तक तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, नंबर हो जाते हैं। 0 से लेकर 9 तक आपके क्या होते हैं, नंबर हो जाते हैं। उसके बाद
उसके बाद जो आपका 10 नंबर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, कैपिटल ए। जो आपका 11 नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है कैपिटल बी। जो आपका 12 नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है कैपिटल सी। जो आपका 13 नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है आपकी कैपिटल डी। जो आपका 14 नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है कैपिटल ई। जो आपका 15 नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है कैपिटल एफ। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो हेक्साडेसिमल के अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर जो आपकी वैल्यूज होती हैं, ठीक है, वो किस तरह से आती हैं, 0 से लेके 9 तक आप नंबर यूज करते हैं, 10 के लिए ए यूज करेंगे, 11 के लिए बी यूज करेंगे, 12 के लिए सी यूज करेंगे, 13 के लिए डी और 14 के लिए ई और आपका 15 के लिए एफ। ये नंबर याद कर रखने हैं आपको, क्योंकि जहां पे भी आपका ए बी सी डी ई एफ आएगा वहां पे आपको ये वाली नंबर पुट करने हैं। फिर कन्वर्जन के अंदर जहां पे भी ए बी सी डी एफ लिखाएगा तो वहां पर आपको उनकी जगह ये वैल्यू नंबर पुट करने हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1FF। एफ की वैल्यू क्या होती है, 15, हमने बताया था ना। F की वैल्यू क्या होती है, 15। यहाँ पे भी F की वैल्यू 15 और ये 1, सेम। ये देखिए सेम वही तरीका है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अब ये हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है जिसका बेस क्या है 16, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल में। सेम वही तरीका है, अलग से लिखना है आपको 1FF, अलग अलग जगह लिखना है 1FF। इसके नीचे क्या लिख देना है आपको 16, क्योंकि बेस कितना है 16। पावर साइन कर देनी है 0, 1 और 2। अब ये देखिए यहाँ पर 15 को हम क्या लिखते हैं, F की वैल्यू क्या है 15, तो हमने 15 लिख दिया। F की वैल्यू क्या है 15, फिर से 15 लिख दिया, 1 यू का यू लिख दिया। 16 की पावर 0 यानी कि 1, जो हमने बताया किसी की भी पावर 0 होती है तो क्या वैल्यू आती है 1। 16 की पावर 1 यानी कि 16 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 टाइम। F की वैल्यू 15 होती है। 16 की पावर 2 यानी कि 16 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम 16 × 16, तो कितना आ गया 256। 16 मल्टीप्लाई 16 256 आता है। फिर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 15 बन जा 15 प्लस 15 मल्टीप्लाई 16 240, 256 मल्टीप्लाई 1 256, तो इनको हमने ऐड किया 511। ये आ गया हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि जो आपका 1FF हेक्साडेसिमल है ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में 511 के इक्वल होता है। और ये 4 बिट्स सफिशियंट होती हैं, जैसे ऑक्टल नंबर के अंदर तो 3 बिट होती हैं किसी भी बाइनरी नंबर, किसी भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए, और हेक्साडेसिमल में 4 होती हैं। तो फिर से मैं बता रही हूँ, टेबल को ध्यान नहीं दीजिएगा, इसको हम कन्वर्जन के अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो आपका आज हमने यहां तक कर लिया ऑक्टल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम क्या। ये देखिए यहाँ पे ये दे रखा है 4B3A, 4B3A दे रखा है, इसको आपको हेक्साडेसिमल नंबर, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये भी आपका होमवर्क है। 2 आपके ऑक्टल वाले डिजिट हैं और ये तीसरा आपका हेक्साडेसिमल वाला डिजिट है, जिसको आपको किस में कन्वर्ट करके दिखाना है मुझे, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके रफ नोटबुक में, और फिर आपको पिक सेंड करनी है। ओके बेटा।